नमस्कार, सवाल इंडिया के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। 75 वर्षों के बाद जिस इमारत ने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश को कैसे चलाया जाए, सरकारें कैसे चुनी जाएं और उसके बाद हमारे लिए कानून कैसे बने, उस संसद को आज अलविदा कहा गया और नई संसद में जो नया विशेष सत्र है उसकी शुरुआत आज हुई। 75 सालों के संसदीय इतिहास को संजोए हुए पुराने संसद भवन का आज आखिरी दिन था, उसको अलविदा कहा गया। संसद की 96 साल पुराने इस भवन में कार्रवाई का आज विशेष और आखिरी दिन था। विदाई देने के लिए पक्ष विपक्ष के सांसद पहुंचे। इसके बाद एक जॉइंट फोटो सेशन भी हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। फिर तमाम सांसद सेंट्रल और हॉल पहुंचे, जहां पर सेंट्रल हॉल में अपने जो अनुभव हैं सांसदों ने साझा किया। कई सांसद भावुक भी दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। वहीं 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता का हस्तांतरण जो किया था, फिर संविधान का आकार भी यहीं पर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन की संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि पुराने सदन की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। संसद भवन जो है वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हम गति जितनी तेज करेंगे परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले तीन में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर, विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं उसके आधार पर, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम, जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं, तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल हॉल में उनका ये संबोधन था। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ऐतिहासिक दिन जरूर, कल जो विशेष सत्र पुराने संसद भवन में यानी कि अब संविधान भवन में शुरू हुआ था वो आज नए संसद भवन में पहुंच गया है। नई परंपराओं की बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री ने दोनों जगह पर लोकसभा और राज्यसभा में भाषण भी दिया, लेकिन राज्यसभा में थोड़ी पुराने संसद भवन की यादें एक बार फिर से ताजा हुई जब दोनों पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गए। नहीं देखिए अंकित, ये राजनीति है और कहने के लिए दोनों पक्ष ये कहते रहते हैं कि संसद चलनी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी बात भी वो रखते हैं। और आज चूंकि मुद्दा ऐसा था कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, और ये तो तय मानिए कि जब भी ऐसे मुद्दे आएंगे तो इस तरह की तीखी नोकझोंक आपको देखने को मिलेगी दोनों पक्षों के बीच, चाहे वो सरकार में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो। लेकिन कोशिश ज़रूर आज आपने न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को भी का भाषण भी आपने सुना होगा। हमेशा उन लोगों का कहना यही है कि अब चूंकि नए संसद भवन में जा रहे हैं तो कम से कम ये कोशिश की जाए कि वहाँ पर सार्थक बहस हो, सार्थक चर्चा हो और कोई सार्थक परिणाम निकले जो कि देश हित में हो, लोगों के हित में हो। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कितने दिनों तक चलेगा। ये सत्र तो छोटा है अंकित, मात्र शुक्रवार तक है, और इसमें एक ऐसा बिल आ रहा है जिसमें कमोबेश लगभग सभी पार्टियों की सहमति है। विपक्ष के भी जो भी बड़ी पार्टियां हैं, एक दो पार्टियों को छोड़कर, उन सब की सहमति है, उन सब का समर्थन है। लेकिन अगला सत्र जो होगा, जो आमतौर पर शीतकालीन सत्र होगा नवंबर के तीसरे हफ्ता में, उसमें क्या मुद्दे रहेंगे, चूंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके रहेंगे हम लोग, तो उसमें क्या फिर नई संसद हो या पुरानी संसद हो, क्या विपक्ष अपनी बातें किस तरह से उठाएगा, क्या सरकार उनकी कितनी बातें मानेंगी, तो वहाँ पर तो नोकझोंक होगी। ये राजनीति है, सरकार को भी बाहर में ये संदेश देना होता है, विपक्ष को भी अपने वोट बैंक को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये संदेश देना होता है कि वो उनकी बात उठा रहे हैं, और सरकार भी ये कहती है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, और हमेशा वो लगातार ये कहती रहती है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन आप ये तय मानिए कि जब भी इस तरह के विषय आएंगे तो आगे चलकर आप देखेंगे कि नोकझोंक जारी रहेगी, आमना सामना सरकार और विपक्ष का होगा ही। और क्योंकि जैसे प्रशांत कह रहे थे, चुनावी माहौल में अब देश पहुंच रहा है, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कोशिश करेंगे अपने लिए जनमत लेने की, तो तब ये बिल्कुल मान के रखिए कि हर कोई अपनी बात को पूरी मजबूती से रखने का कोई भी मौका, चाहे संसद हो या चाहे बाहर हो, नहीं चूकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब चर्चा करते हैं एक ऐसे बिल की जिसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे, पर कम से कम कल उस पर स्थिति जरूर साफ हो गई। आधी आबादी के लिए विशेष जो ये बिल है, महिला आरक्षण बिल जो है, उसको इस बार इस संसद भवन में, इस विशेष सत्र में प्रस्तुत आज कर दिया गया। आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसके नाम से महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। कल इस पर लोकसभा में चर्चा होगी और उसे पारित कराया जाएगा लोकसभा में बीजेपी के पास, और जाहिर सी बात है कई सारे राजनीतिक दलों के भी समर्थन इसमें है, तो लोकसभा में इसे पारित कराने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद इसे, आपको याद दिला दें, उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, लेकिन उससे पहले कल केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी। इस बिल की जो जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी के पास है, सबसे पहले आपको जरा इस बिल के बारे में बताते हैं। हमने इस बिल की कॉपी देखी है और इसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं, आपको जरा वो बता देते हैं। इस बिल में ओबीसी जो है, महिलाएं जो है, उसमें जगह उसको नहीं दी गई, यानी कि कोटे के अंदर कोटे की जो बात हो रही थी उसको नहीं रखा गया है ओबीसी महिलाओं के लिए। 33% आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरीके से अब तक बात होती रही थी, इसमें 33% आरक्षण में जो एससी एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो महिलाएं हैं उनके लिए एक तिहाई आरक्षण, जो कि संविधान
पारित है यानी कि संविधान में उसके प्रावधान किए गए हैं उसको उसके हिसाब से 1/3 जो है इस 33% आरक्षण का 1/3 जो है वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब महिलाओं को इसमें दिया जाएगा। जनगणना परिसीमन के बाद 2027 में पूर्णतः इसको कार्यान्वित किया जाएगा। कई सीटों पर दोहरा जो क्रियान्वयन है रोटेशनल उम्मीदवार इस तरीके की इसमें बातें रखी गई हैं। जनगणना परिसीमन के बाद 2027 में पूर्ण तरीके से इसको कार्यान्वित करने की बात कही गई है। आज इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पहले दिन के भाषण के दौरान बिल की चर्चा की। उन्होंने इसके बारे में क्या क्या कहा पहले आपको वो सुनवाते हैं। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। नई इमारत में राज्यसभा के पहले दिन जैसे मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था महिला आरक्षण बिल को लेकर ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और निर्मला सीतारमण के बीच में बड़ी खासी बहस हो गई। खड़गे जी ने कहा कि पिछड़ों के साथ हर दल में अन्याय होता है। इस पर निर्मला सीतारमण भड़क गई और उन्होंने कहा कि ये जो है ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, यानी कि अपने बारे में बात कीजिए, सबके बारे में बात मत कीजिए। सुन लीजिए क्या क्या वाद विवाद हुआ। सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो तुमको, अरे अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहां 1/3 की बात चल रही है। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूं, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप मेरा, आप मैं ये देखिए, अरे अरे है सभी पार्टी, हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है। We respect the leader of the opposition, but to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati द्रौपदी मुर्मू जी इज एन एम्पावर्ड वुमन।
प्लीज। ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है, ये हम बोल रहे हैं। इसीलिए प्लीज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? आई एम सॉरी, ऑपोजिशन लीडर कैनॉट प्लीज इंसल्ट पीपल लाइक दिस, कैनॉट ड्रॉ डिफरेंशिएशन बिटवीन वुमेन। महिला आरक्षण बिल पर हम लोगों की हमेशा ये मांग रही थी कि जो पिछले वर्ग की महिलाएं हैं वो जो ज्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए। अब गवर्नमेंट नहीं मान रही है, लेकिन हम महिला आरक्षण बिल का इसलिए विरोध नहीं करें कि वो हक है, मिलना चाहिए उन्हें, हमारी बात ये नहीं मानेंगे, इसके बाद भी हम करेंगे समर्थन, लेकिन हम अपना ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। इसका भी हमारी पार्टी पूरे तहे दिल से स्वागत करेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर ये जो एक पुरानी मांग थी उसको अब एक बार फिर से ताकत के साथ रखा जा रहा है, और इसी के साथ साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर जो क्रेडिट लेने का, यानी कि कौन इसको ये जनता के सामने पेश कर पाए कि हमने, हमारा बिल है या हमने महिलाओं को यह हक दिलाया है, उसकी लड़ाई भी शुरू हो गई है। इसका क्या आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के, संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्मिता मिश्रा जी भी जुड़ रही है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विनोद जी मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, सोनिया गांधी जब पार्लियामेंट के अंदर जा रही थी उन्होंने बोला अपना वाला बिल है, अभी मैं देख रहा था जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का सपना जो है वो साकार हो रहा है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और बीजेपी 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के ही टाइमलाइन शुरू करती है ये बताने के लिए कि कांग्रेस इसको क्रेडिट अपना ना मान पाए, और मोदी जी ने ये कह दिया कि उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये जो क्रेडिट वॉर है इसे जनता कैसे देखे, किसको मिलेगा सबसे ज्यादा फल महिला आरक्षण बिल का? देखिए फल तो उसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा इसको लेके जनता के बीच जाएगा, क्योंकि ये बात सही है कि सबकी अलग अलग भूमिका है सभी दलों की। ये 1986 से ये मुद्दा चर्चा में रहा, 1996 में अटल जी की सरकार के समय जो है ये आया, उस वक्त बिल के प्रतियां फाड़ी गई लोकसभा के अंदर, उसके बाद फिर ये देवगौड़ा सरकार के समय से शुरू हुआ था, फिर अटल जी की सरकार के समय भी आया तब भी असफल रहा, 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपीए की सरकार थी उसमें पारित हुआ, लेकिन उसमें भी बड़े अशोभनीय दृश्य देखने को मिले थे, और बाद में लोकसभा में लाई नहीं पाई सरकार क्योंकि आरजेडी और समाजवादी पार्टी और जो समर्थक दल थे उस समय यूपीए के वो कई विरोध कर रहे थे, तो बिल पेश ही नहीं हो सका लोकसभा में मनमोहन सिंह की सरकार के समय। इसलिए निश्चित रूप से बिल तो क्रेडिट सब लेंगे, जाहिर है बीजेपी भी लेगी, कांग्रेस भी लेगी, और मौजूदा सरकार तो बीजेपी की सरकार है क्योंकि उस वक्त ये अब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि समर्थन इसका कांग्रेस भी करेगी और दूसरे दल भी करेंगे, और जो थोड़ा बहुत विरोध करेंगे वो भाषण दे के शांत हो जाएंगे क्योंकि पास तो हो ही जाना है इसको, तो क्योंकि मोदी जी की सरकार के समय पारित हो रहा है तो पहला श्रेय उनको मिलेगा, कांग्रेस ये श्रेय लेगी कि साहब हम तो लगातार इसके लिए हमने तो पारित ही करा दिया था राज्यसभा में, वहां पर नंबर नहीं थे, बीजेपी कहेगी कि अटल जी की समझ से हमने इसको कोशिश की, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मामले में ये माना जा सकता है कि दोनों ने इसके लिए प्रयास किया, और 2010 में भी जब पारित हुआ था राज्यसभा में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने समर्थन, कांग्रेस ने इसको इनिशिएट किया था, बीजेपी ने समर्थन दिया था, हम लोगों को याद है
सुष्मिता और संजय सिंह भी बैठे हुए हैं कि सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी को तस्वीर बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर थी, तब जो दोनों हाथ में हाथ मिला करके विक्ट्री का साइन बनाते हुए उन्होंने वो तस्वीर दी थी, सारे चैनलों पर अफवाह चली थी और अखबारों में चली थी। तो और ये भनक तो कांग्रेस को लग गई थी, इसीलिए पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही थी कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए। आपको याद होगा संसद का जो पिछला सत्र है जब शुरू हुआ था तो जब प्रधानमंत्री जी सबसे मिल रहे थे, सोनिया जी के पास गए तो सोनिया जी ने उनसे कहा कि भाई महिला आरक्षण बिल ले आइए, और वो बात बाद में अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा बाइट पे करके कही थी। यानी तब से कांग्रेस ने इसकी पेशबंदी शुरू कर दी थी कि ये कुछ हो सकता है तो हम पहले से ही मैदान में अपने को सामने खड़ा कर दें कि हम भी है आपके साथ, यानी अपने ओपनर बैट्समैन अगर आप हो तो रनर बैट्समैन हम भी है। तो इस तरह का श्रेय अब जनता के बीच इसको जो अपने तरीके से ले जाएगा, और मुझे लगता है श्रेय क्या है, सबको इसका फायदा मिलेगा, सबको इसका श्रेय बटेगा। जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ में प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, तो इस तरह से प्रसाद सबको मिलेगा। प्रसाद सबको मिलेगा। स्मिता जी, शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि उनको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके पीछे अगर राजनीति को भी देखा जाए तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो चाहे 1996 में देवगौड़ा सरकार में जब ये लाने की बात हुई, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, अटल बिहारी वाजपेयी आए तब उन्होंने लाने की कोशिश की, तब से लेकर अब तक की जो सरकारें रही वो गठबंधन की सरकारें रही, पहली ऐसी सरकार है जो पूर्ण मेजोरिटी की 2-2 बार सरकार रही है। तो जो ये सवाल बार बार इस पे उठ रहा है कि उनके लिए राह आसान थी इस बिल को लेके आने की, इसको संसद में पारित कराने की, तो अब सवाल उन जो क्रिटिक्स हैं, कम से कम जो उनके आलोचक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आप 9 साल में भी कर सकते थे, आप चुनाव से पहले आप कर रहे हैं, यानी कि इसके पीछे आपकी चुनावी मंशा है। देखिए ये ठीक है कि क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है, बल्कि 2-3 दिन से शुरू हो चुका है, और आपने देखा होगा कांग्रेस का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जबरदस्त कैंपेन चलाई जा रही है कि ये तो हमारा बिल है, ये हमारा बिल है। लेकिन जैसा आज कानून मंत्री जी ने सदन में भी बोला और बाद में भी बात आई, वास्तव में देखा जाए तो ये कांग्रेस वाला बिल नहीं है, इट इज अ रीवर्क्ड बिल। इसमें कुछ बिंदु बहुत स्पष्ट तौर से दिए गए हैं, इसका एक नया संज्ञा, एक नया टाइटल बिल का दिया गया है, इसमें एससी एसटी के लिए अलग से प्रोविजन होगा, ये बात बिल के अंदर लिख दी गई है। ये एक ऐसा मुद्दा था क्योंकि संसद में और विधानसभाओं में एससी एसटी वर्ग को वैसे भी रिप्रेजेंटेशन का कोटा है, तो इस नाते से ये बाद में भी किया जा सकता था, लेकिन बिल में इसको बहुत स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो वंचित समाज है हमारा एससी एसटी वर्ग, उसकी महिलाओं को ऐसा ना हो कि दिक्कत आए अपने टिकट्स वगैरह के लिए लड़ने में, तो उनका एक निश्चित उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, देखिए राज्यसभा में जो बिल था जो कांग्रेस के समय आया था वो लैप्स हो चुका है, इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, इस पर बार बार दोहराने का कांग्रेस को जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस इस बिल का खुले मन से समर्थन करेगी तो वैसे भी उसको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां सब मिलकर पास कराएंगे तभी ये सुचारू स्मूथ तरीके से ये कानून बन पाएगा। लेकिन कांग्रेस में तो इसको अभी से डिसक्रेडिट करने का प्रयास शुरू हो गया है कि ये तो जुमला है, ये तो अभी इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा तो क्यों लेकर आ रहे हैं। भाई ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा चेंज होगा, इसके कई कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल आयाम है, उनको पूरा करना जरूरी है, चाहे वो सेंसस की बात हो, नए सिरे से डीलिमिटेशन हो, देश की जनसंख्या बढ़ी है, सीटों का स्वरूप हमारे शहर हमारे गांव कस्बों में बहुत परिवर्तन आया है, नए सिरे से परिसीमन बहुत आवश्यक हो गया है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि ठीक है, कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल इसका लेना चाहे क्रेडिट तो ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरे देश की महिलाओं के हित का मुद्दा है, इसको ज्यादा पार्टी लेवल पे देखना उचित नहीं है। लेकिन बिल्कुल, और इसपे शायद ये किसका बिल है वो एक अलग चर्चा है, लेकिन कम से कम मोटे मोटे तौर पर इस पे सहमति बनी रही है कुछ पार्टियों को छोड़कर। और जैसा मैंने कहा कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट्स ना होती तो शायद ये बिल पहले ही पास हो जाता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटक दल की वजह से परेशानियां ज्यादा रही हैं। लेकिन संजय सिंह जी, थोड़ा प्रयास जी, संजय सिंह जी, क्या ये भी माना जाए कि दो बड़े मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष को लग रहा था कि बीजेपी का जो वेलफेयरिज्म प्लस हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करा जा सकता है, ओबीसी और महिला को लेकर जो बड़ी बात हो रही थी उसमें से कम एक मुद्दा छीन लिया है बीजेपी ने उनसे? देखिए ओबीसी वाली बात थोड़ा कांग्रेस, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी का एक सवाल था। सिर्फ एक चीज कहूंगा उस पे कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जो ओबीसी का एक सशक्त चेहरा है
और कोई भी चीफ चेहरा प्लस मतलब बाकी आप मेजर्स देखेंगे गवर्नमेंट में उनकी भागीदारी, सब विधानसभा और लेजिस्लेशन में उनकी भागीदारी या उनके साथ बाकी जो चीजें हुई हैं, अब बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो जातिगत तो नहीं कह सकते लेकिन वो उस श्रेणी में आती जिसमें वो टारगेटेड ग्रुप उस जाति या वो उनके जो काम है उससे संबंधित चीजों के साथ वो जुड़ जाता है। तो सेंसस जैसी चीज मतलब कास्ट सेंसस जैसी चीज काउंटर करने का प्रयास करते हैं लेकिन मूलतः मतलब वो एक काफी एब्स्ट्रैक्ट सा काउंटर है जबकि रियल काउंटर होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल एक ऐसा इशू है जो मतलब उन्होंने सरप्राइज किया, सही बात है, कुछ समय से ये चर्चा आप इसके पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, मैं भी आपके साथ इस चर्चा में शरीक हो चुका हूँ कि शायद ये महिला आरक्षण बिल इस बार जब बिल फाइनली आता है या कल रात में जब पता चला कि आता है और पहले की जो चर्चा थी उसमें फर्क ये होता है कि जिसमें आप बताते हैं क्योंकि तो देखिए बाकी तमाम चीजों के बारे में ये था कि बीजेपी का कोर इशू है जैसे आर्टिकल 370 जब वो हटाया गया तो ये कहा गया कि कोर इशू है इसके लिए प्रतिबद्ध थी बीजेपी, हमने जो कहा वो किया। ये एक तिहाई महिलाओं के आरक्षण के बारे में ऐसी कोई संभावना किसी कॉर्नर से व्यक्त नहीं की जा रही थी। तो मतलब कि पार्लियामेंट दोनों हाउसेस का अगर आप सीटिंग कैपेसिटी देखें 888 और 334 दोनों हाउसेस का, तो लोग ये कह रहे थे इतना बड़ा हाउस बन जाएगा तो वो खाली रहेगा। शायद मनसा ये थी कि हम समय रहते हम विमेन रिजर्वेशन बिल लाएंगे जिसका उन्होंने पहले नाम बड़ा अच्छा सा दिया है, वो आरक्षण शब्द हटा करके वंदन को नाम दिया गया। तो ये भी एक एम्पावरमेंट करने का एक तरीका है, ये लार्जर मैसेजिंग का एक तरीका है कि जिसे आप आरक्षण मानते हैं हम इसे वंदन उनके उनको मानते हैं। तो जब ये चुनाव के करीब जाएंगे तो आई एम श्योर उसके अराउंड भी चर्चा होगी वर्ड्स के अराउंड, तो ये सीटें उस तरह से बढ़ाई गई। दूसरी चीज है कि अंकित जो आप कह रहे थे कि शायद पहले की सरकारों को ये पूर्ण बहुमत नहीं था, देखिए क्या है कि जैसे 2010 में राज्यसभा में पास हुआ उसके बाद 4 साल रही यूपीए की सरकार, लोकसभा में विनोद जी कह रहे थे कि आरजेडी और एसपी का विरोध था, विरोध उनका शुरू से था 19 से विरोध आरजेडी और एसपी का जी, अटल जी की सरकार में जब वो बिल पेश हुआ था तो उठा करके फाड़ दिया गया था, तो ममता बनर्जी जी को फिजिकली उसमें कई लोग वो जूझे थे। तो लेकिन अगर आप पेश करते वहां पे और फिर लोकसभा में फटता तो आपकी मंशा जाहिर होती। मेरे ख्याल में बीजेपी इस चीज को लेकर के फिर काउंटर पे आएगी, अगर कांग्रेस जैसे ऑब्वियसली क्रेडिट अपना क्लेम करेगी तो आप उस समय लेकर के नहीं आए, अब आप क्रेडिट के लिए वो जो भी है अपना क्लेम जता रहे हैं, तो ये काउंटर होगा। दूसरा चीज ये है कि जिस प्रखरता से प्रधानमंत्री मोदी किसी चीज को पेश करते हैं, आज ही जैसे उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य शायद मेरी किस्मत में था इसको करना, वो जो शब्दावली का जो वो जो सामने लाई जाती है लार्जर मैसेजिंग के टर्म्स में उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा अलग होता है। विनोद जी मैं एक आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जो जैसे हमने देखा 2014 और 19 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो महिला वोटर है उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इसमें अगर आप विमेन रिजर्वेशन बिल जोड़ दें साथ में जिस तरीके से संजय जी कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चीजों को पेश करते हैं और चाहे कैसे भी इसको देखा जाए अगर आरजेडी समाजवादी पार्टी कोटे के अंदर कोटे की बात भी करती है वो चाहे लॉजिकल इलॉजिकल कितनी भी बात हो लेकिन क्या इससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के अंदर थोड़ा सा परेशानी पैदा करने की उनका समन्वय बिगाड़ने की भी कोशिश की जाएगी और बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह इसका इस्तेमाल करा जा सकता है कि 2024 में भी जो महिलाओं का साथ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। देखिए पहली बात तो ये है कि कोटा विद इन कोटा वाली जो बात आप कर रहे हैं हो सकता है इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियां इस मांग को उठाए जैसा कि मायावती जी ने उठाया हालांकि वो इंडिया अलायंस से बाहर है लेकिन सरकार वो थोड़ा उसमें मुश्किल है। मुश्किल क्या है संवैधानिक अड़चन है। संवैधानिक अड़चन ये है कि एससी एसटी के लिए ऑलरेडी पार्लियामेंट में और असेंबली में सीटें रिजर्व है संविधान के द्वारा। अभी ओबीसी वर्ग के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें संविधान के द्वारा रिजर्व नहीं है, आरक्षण रिजर्व है नौकरियों में लेकिन सीटें नहीं रिजर्व है। तो उसके लिए आपको भी संविधान में पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो एक बड़ी लड़ाई दूसरी तरह का मामला है तो वो उठेगा। लेकिन उसमें होगा ये कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी, हो सकता है आरजेडी और समाजवादी पार्टी सपोर्ट करें या एब्सटेन करें लेकिन बिल पास हो जाएगा और इंडिया अलायंस में भी कोई इसको लेकर टूट नहीं होने वाली है। एक अलग अलग ओपिनियन रहेगी, जैसे आप देखिए जो ईवीएस का ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण हुआ था उसमें आरजेडी ने सपोर्ट नहीं किया था और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, वो स्थिति रहेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इससे जो ये है
कि दरअसल हम लोगों को एक चीज और सोचनी चाहिए, 2014 ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने वुमेन को अपनी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में उन्होंने तैयार किया था और गुजरात में महिलाओं का एक बहुत बड़ा समर्थन उनको मिलता रहा है लगातार। बिल्कुल, उसके बाद उसको उन्होंने नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट किया 2014 में, 2019 में नीतीश कुमार ने बिहार नेशनल वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की। लेकिन पिछले एक साल से कुछ घटनाएं ऐसी हुई राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठने लगे सरकार पर महिलाओं को लेकर के। एक तो ब्रजभूषण धन सिंह वाला मसला जो हुआ उससे सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हुई, दूसरा मणिपुर वाला मसला हुआ उससे भी किरकिरी हुई, और ये बिल लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी और भारत और सरकार अपनी उस छवि को भी धोएगी, मतलब वो छवि भी साफ हो जाएगी और एक बार फिर से महिलाओं के बीच में जाकर के उसके मौका मिलेगा कहने का, और कहेंगे भी कि देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है और उनकी सरकार। बिल्कुल, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके व्यापक असर जरूर पड़ेगा देश की राजनीति में 2024 के चुनाव पर भी। बार बार बात हो रही है कि अब कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद बेटी को नेता बनाओ वाला जो जो ये इस बिल से रास्ता साफ होगा, पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज अब अपनी टॉप लीडरशिप में भी ये 33% महिलाओं के लिए आरक्षण को अलग रख देंगी, ऑफिशियली इसको सामने रखेंगी, ये भी एक बात है सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। चलिए, तो महिला आरक्षण बिल पर लगातार खासतौर से महिला सांसदों की, मंत्रियों की प्रतिक्रिया आ रही है। इस पर हमारी सहयोगी वसुधा ने बात की स्मृति ईरानी से, आपको सुनते हैं। Women in this country have agitated for a right which is constitutionally given so that they can be on equal footing with men to become lawmakers, policy makers. Today of all the days when we step into a new building for the parliament, I am extremely grateful that the Honorable Prime Minister has given to the country the Nari Shakti Vandan Bill. The nomenclature itself is indicative of how emphatically the Prime Minister has oriented his governance agenda from a perspective of gender justice. I am extremely happy, as Prime Minister had said in his speech in Lok Sabha, ki kuch cheeze unki kismat mein likhi hai. Kuch samadhan, some solutions that have been people have been asking for years on end, those solutions lie with Prime Minister Modi, and a manifestation of that was seen today. Opposition is united in defeating the purpose, the agenda of gender justice. This is not the first time their true colors have been seen. They were in power, they had the opportunity, they didn't pass the bill. In fact, they were in vehement opposition then while they were in power. They are today in their presence also not registering the support. वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि महिला जो जो जिसको जिस तरीके से जो बिल लाया जा रहा है, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, क्योंकि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लोकसभा में भी विधानसभाओं में भी हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन जो बिल केंद्र सरकार लेके आई है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। क्योंकि इस बिल के अनुसार पहले जनगणना होगी पूरे देश में, उस जनगणना के बाद फिर से पूरी डिलिमिटेशन होगी, उस डिलिमिटेशन के बाद ये डिसाइड होगा कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी या नहीं। तो 2024 में तो छोड़िए, जितना ये एक्सरसाइज इसमें बताई गई है, हो सकता है 5 साल बाद भी 2029 में भी महिलाओं के लिए आरक्षण इंप्लीमेंट ना हो पाए। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी से एक सीधी सी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत साफ है और वो महिलाओं को वास्तविक तौर में आरक्षण देना चाहते हैं तो आरक्षण 2024 से दें, इस बिल में संशोधन करें और महिलाओं के लिए आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव से इंप्लीमेंट किया जाए। भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों में काफी इस वक्त तनाव है। भारत ने अपने कनाडा में एक राजनयिक के निकाले जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा के
एक राजनयिक को भी बेदखल करा है और कनाडा सरकार के उस बयान को बेतुका बताया है जिसमें भारतीय एक व्यक्ति के मारे जाने पर वहां के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया था।